हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं द सुपीरियर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिंगल ब्लाइंड टेक्निक और डबल ब्लाइंड टेक्निक को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, और बहुत ही आसान और अच्छे अल्फाजों में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास है सिंगल ब्लाइंड टेक्निक। दोस्तों, नाम से पता चल रहा है सिंगल ब्लाइंड टेक्निक। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा होना, जैसे हमें पता। लेकिन इसमें ये होगा कि ऐसी टेक्निक है जिसमें एक बंदा ब्लाइंड हो, इसमें एक बंदे के बारे में किसी चीज़ के बारे में पता ना हो कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमारे पास जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी तरह की रिसर्च करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस सिंगल ब्लाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर हम सिंगल ब्लाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उस बंदे को हम पता नहीं चलने देते कि आपके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आपके ऊपर कोई रिसर्च हो रही है, ऑब्जर्वेशन हो रही है। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर कोई हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो वो सब्जेक्ट इस चीज़ से अनअवेयर होता है। उसको इस चीज़ का कोई खबर नहीं होती, कोई पता नहीं होता कि उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन हो रही है। तो इस वजह से हम सिंगल ब्लाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम इसका इस्तेमाल ना करें तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके एटीट्यूड वो आ जाएगा। उसके एटीट्यूड एक अहम इंपॉर्टेंट वेरिएबल है हमारे जो है एक्सपेरिमेंट में। जो एटीट्यूड होता है हमारे पास, एटीट्यूड्स जो सब्जेक्ट का होता है वो एक अहम वेरिएबल है। तो ये इस वेरिएबल से क्या होगा, हमारे भी जो रिजल्ट्स होगा ना उसमें एरर आ सकता है, उसमें इनएक्यूरेसी आ सकती है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है उसका एटीट्यूड। क्योंकि अगर आप उसको पता होगा कि ये मेरे को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, रिसर्च की जा रही है, ऑब्जर्वेशन की जा रही है, तो वो अपना जो आंसर है वो चेंज कर सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी आ सकती है। वो ऐसा आंसर देगा जो वो खुद चाहता नहीं होगा, लेकिन वो अपने सोशली एक्सेप्टेबल होने के तौर पर, एक अच्छा इंसान बनने के तौर पर वो देगा, ताकि ये एक आइडियल चीज़ बन जाए। लेकिन हम इसमें तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो अच्छा नहीं आएगा, वो उसमें एरर आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिंगल ब्लाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो एटीट्यूड है हमारे सब्जेक्ट का उसको कंट्रोल किया जा सके, इसमें उसके एटीट्यूड को कंट्रोल किया जा सके। तो हम सिंगल ब्लाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डबल ब्लाइंड टेक्निक। दोस्तों, डबल ब्लाइंड टेक्निक में क्या होता है, डबल दो ब्लाइंड, उसी तरह दोबारा हमारे पास और टेक्निक, ये क्या टेक्निक होती है। तो ऐसी टेक्निक जिसमें दोनों चीज़ें, दो चीज़ें ब्लाइंड हो, उनको बारे में अनअवेयर हो, वो हमारे पास उनको इस चीज़ का कोई खबर ना हो। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटर होता है, दोस्तों एक्सपेरिमेंटर, उसको भी पता नहीं होता कि वो कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जो है रिसर्च कर रहा है। तो इसमें हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटर है और हमारे पास जो सब्जेक्ट है, वो दोनों क्या है, अनअवेयर है ग्रुप से, उनको कोई पता नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास जो है डबल ब्लाइंड टेक्निक, इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि एक्सपेरिमेंटर और सब्जेक्ट दोनों को ही पता नहीं होता कि ऑब्जर्वेशन रिसर्च हो रही है। क्योंकि दोस्तों, हम ये डबल ब्लाइंड टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंटर है उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, लाइक डिसलाइक्स, उसके बाद बायसेस, इसके अलावा प्रीडू जायसेस, तो वो इस्तेमाल कर ले, प्रीडू जायसेस, तो वो उसके जब एक्सपेरिमेंटर के जब लाइक्स, डिसलाइक्स और बायसेस शामिल हो जाते हैं, तो वो हमारा जो रिजल्ट्स होता है उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती, उसमें एक्यूरेसी नहीं आती, उसमें जो है टू द पॉइंट हमारा जो मकसद होता है वो पूरा नहीं होता। इस वजह से दोस्तों हम जो कहते हैं डबल ब्लाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटर और सब्जेक्ट दोनों ही अनअवेयर होते हैं, दोनों को ये पता नहीं होता कि उनको एक्सपेरिमेंट हो रहा है या ऑब्जर्वेशन या रिसर्च हो रही है। तो दोस्तों, हम ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारे साइंस में, साइकोलॉजी में, साइंटिफिक स्टडी में हमारे पास ये सिंगल ब्लाइंड टेक्निक और डबल ब्लाइंड टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, किसी भी आपको ऑब्जर्वेशन के लिए, बिहेवियर के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई कि सिंगल ब्लाइंड टेक्निक क्या होती है और डबल ब्लाइंड टेक्निक क्या होती है। दोस्तों, असल में ये होता है एटीट्यूड, इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर हम सब्जेक्ट को बता दें कि उसको कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो दोस्तों वो फिर अपना जो है आंसर उसमें चेंज, वेरिएशन लेकर सकता है, वो ऐसा आंसर दे सकता है जो वो खुद नहीं चाहता होता, तो उसके मुताबिक नहीं होता। तो उससे बचने के लिए हम फिर सिंगल ब्लाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उसको कोई पता नहीं, वो नेचुरली तौर पर अपना आंसर देता होता है। दोस्तों, ये था हमारे पास सिंगल ब्लाइंड टेक्निक और डबल ब्लाइंड टेक्निक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा, आपके जहन में बैठ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।